दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट डिजाइनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? मैं मनोज, आप सभी का आपके चैनल इंटीरियर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब दोस्तों हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें जो दोस्तों सेंटर में लॉक लगता है जो कि दोनों दरवाज़ों को बंद करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे किस तरीके से इसको फिट किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं ये लॉक है जिसको दोस्तों इसको पुश करने पर ये बंद हो जाता है और इसको चाबी के द्वारा इसको खोला जाता है। दोस्तों तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो में चलेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस लॉक को फिट करने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों जो हमारा ये स्लाइडिंग वार्डरोब है, ये जो दोनों डोर लगा हुआ है उस पर दोस्तों कितनी ओवरलैपिंग हुई है, दोस्तों कितना हमारा दरवाज़ा चढ़ा हुआ है उसका सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे और निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको एक मार्क कर लेना है इस तरीके से पेंसिल की सहायता से, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा लॉक होता है वो 39 इंच पे लगता है, तो एक हम निशान मान लेंगे 39 इंच पे। दोस्तों अभी हम दोस्तों चेक करेंगे कि कितना ओवरलैप हुआ है हमारा ये दरवाज़ा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक निशान आ गया है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा ये 1.25 इंच दोस्तों ये हमारा डोर ओवरलैप हुआ है। तो अभी हम दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट वाला डोर है दोस्तों, जो इसमें दोस्तों हम इस लॉक को फिट करेंगे बाहर वाले दरवाजे में, तो सिंपली दोस्तों हम इसको 1.25 इंच का एक निशान लगा लेते हैं जितना कि दोस्तों हमारा ये डोर ओवरलैप हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये फिटिंग है जो कि फुल राउंड में है दोस्तों, और इसका सेंटर दोस्तों देख सकते हैं ये आने वाला है। ये दोस्तों ये दो सूत मोटा है, तो एक तरफ दोस्तों हमारा एक सूत है, तो दोस्तों सिंपली दोस्तों हम इसमें से एक सूत और इधर कर लेंगे इधर साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल 1 इंच 3 सूत हो जाता है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे एक पंच कर लेंगे, और अभी दोस्तों ये हमारा ड्रिल मशीन है, इसमें दोस्तों ये हमारा 20 mm का पाना लगा हुआ है जो कि त्रिशूल पाना है। तो अभी इससे दोस्तों हम इसका होल करेंगे यहाँ पे जिसमें हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं आपके दोस्तों थोड़ा सा डोर को खिसका लेना है, इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे दोस्तों ये होल हो चुका है जो कि हमारा बाहर के डोर में था। अभी हमको सिंपली दोस्तों इसको क्या करना है, पीछे की साइड में दोस्तों इस तरीके से इसको फिट कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं ये लॉक है, अभी इसको पीछे की साइड से फिट करना है। दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रंट वाला डोर है। दोस्तों सिंपली दोस्तों इसको इस तरीके से आपको बिठा देना है। दोस्तों आपको ध्यान में रहे अगर आपका जो दो डोर है उसके बीच में अगर जगह थोड़ा सा कम है दोस्तों, तो आप इसको खांचा मार सकते हैं पीछे की साइड से इसके थोड़ा सा अंदर करने के लिए। अगर प्रॉपर गैप है तो दोस्तों सिंपली इस तरीके से आपको दो होल कर लेना है, और इसका जो स्क्रू इसके साथ में आता है, या फिर दोस्तों आप अगर आपके पास दूसरा कोई स्क्रू है दोस्तों 19/6 का, तो आप सिंपली इसको टाइट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो वार्डरोब का दोस्तों ये सेंटर लॉक है, इसको लगाने का प्रोसेस काफ़ी सरल है, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो लॉक था ये लग कर रेडी हो चुका है। अभी हम दोस्तों इसको एक बार ट्राई करेंगे कि प्रॉपर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपले दोस्तों सबसे पहले हम दोनों डोर को बंद कर लेंगे और इस लॉक को पुश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। अभी इसको खोलने के लिए दोस्तों सिंपली आपके पास जो चाबी है उसकी सहायता से दोस्तों इसको खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा ये जो वार्डरोब है ये खुल चुका है, अभी हम इसमें सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। अगर आपको बंद करना है तो फिर से इसी तरीके से आप इसको बंद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये हमारा लॉक फिट करने का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई डिजाइन वीडियो बना सकें।
मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।